हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम नैनीताल से बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए कैठी धाम चल रहे हैं। दर्शन उपरांत चलेंगे मुक्तेश्वर धाम। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर्वप्रथम हम बाबा नीम करौली के दर्शन करेंगे, तत्पश्चात रास्ते में पड़ने वाले टी गार्डन, एप्पल गार्डन का भ्रमण करते हुए मुक्तेश्वर पहुँचेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें और हमारे मनोबल में वृद्धि हो। तो आइए चलते हैं और करते हैं एक और शानदार, खूबसूरत, अविस्मरणीय यात्रा। बाबा नीम करौली कैंची धाम आश्रम देश ही नहीं विदेश की बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी, चाहे वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स या फेसबुक फाउंडर माइकल जुकरबर्ग रहे हों। हमारे डॉक्टर साहब देखिए आ चुके हैं, ये फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे अभी। बाबा नीम करौली के दर्शन करने के बाद अब हम लोग मुक्तेश्वर जा रहे हैं, और रास्ते में एक हमको पुष्प दिखाई दिया, ये हमारे ड्राइवर साहब ने दिखाया। आय का साधन हो जाए तो इनसे बड़ा सुखी कोई नहीं। कोई नहीं, सही। प्रकृति के बहुत ही पास में है ये लोग, एकदम प्रकृति के पास में। देखिए गजब की सुंदरता है। अब इनको, विनीत को जरा देखो, ये हम झुलाते हैं इनको, थोड़ा सा पुश करते हैं, बस बस धीरे से। ये देखिए ये झूलने का मजा है। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर चाय के कुल्हड़ को ठंडक में ऐसे पकड़ा जाए तो ज्यादा मजा देता है, आनंद दो गुना। दोनों तो ठीक है, हम भी जो है बहुत सही। पानी जी का एक्सपीरियंस देखिए जरा से, ऊपर से ये खिला रहे हैं और वो डायरेक्ट कैच कर ले रहा है। और इधर विवेक जी और विनीत जी दोनों लोग अपने अपने सामान को लेकर के आते हुए। पांडे जी चलिए भाई। और बाबा जी के दर्शन के लिए हम लोग कैंची धाम पहुंच चुके हैं, और बस अब नीचे चलते हैं। जो रोड है उसी के लेफ्ट हैंड पे बाबा जी का पावन धाम है, मंदिर है। हमारे मित्र लोग धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। बाबा जी की बहुत ही महिमा सुनी है, बजरंग बली के साक्षात रूप हैं, बहुत ही कृपा रही है बजरंग बली जी की, और बाबा जी ने कई मंदिर स्थापित किए। बाबा नीम करौली कैंची धाम आश्रम देश ही नहीं विदेश की बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी, चाहे वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स या फेसबुक फाउंडर माइकल जुकरबर्ग रहे हों, सभी इस कैंची धाम में आए और उनको यहाँ बाबा नीम करौली का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये छोटा सा ब्रिज है, इसी से चल के हम लोग बाबा जी के यहाँ चलेंगे। विवेक जी हमारे यहाँ पे कंबल लेने के लिए गए हुए हैं, और हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के दृश्य जो हैं उनको आप इंजॉय करिए, कितनी सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ और ये वृक्ष पेड़ लगे हुए हैं। विनीत जी सभी के कंबल लिए यहाँ वेट कर रहे हैं। सुबह का समय बहुत ही मस्त, हल्की सी ठंडी चल रही है। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, लेकिन इसमें धूप अच्छी खिली हुई है, और कितना सुंदर और शांत प्रिय स्थान, बहुत ही अद्भुत। जय हो बाबा नीम करौली की। अभी हम लोग नीचे भी चलेंगे, जहाँ पे ये छिप्रा नदी बह रही है। ये इस मंदिर के बिल्कुल सट करके बगल में ही है। देखिए कितना कलकल करता हुआ है ये जल बाहर जा रहा है। विवेक जी बस कुछ ही समय में आ रहे हैं, पांडे जी फोटोग्राफी कर रहे हैं। हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बाबा नीम करौली के बारे में कुछ जानकारी और दे देते हैं। बाबा नीम करौली को कैंची धाम बहुत प्रिय था। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ बाबा नीम करौली की एक भव्य मूर्ति स्थापित है। बाबा नीम करौली महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम और अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी स्थित टाउस आश्रम है। कैंची धाम में वैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रसाद नहीं चढ़ता है, यहाँ पर लोग चढ़ाने के लिए कंबल लाते हैं, जो बाबा जी को स्पर्श करवाकर आपको पुनः प्रसाद के रूप में वापस प्राप्त हो जाता है। द मिरेकल ऑफ लव बाबा के एक अमेरिकी भक्त द्वारा संकलित पुस्तक का शीर्षक है। यह कई बाबा भक्तों द्वारा वर्णित चमत्कारी प्रसंगों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ प्रसंग हम आपको अभी बताएंगे। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान की उपासना करने के बाद उनके चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी।
लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, लेकिन बाबा बेहद साधारण तरीके से रहते थे और अपने पैर किसी को नहीं छूने देते थे। वैसे बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। आश्रम स्थापना के बाद से अब तक भव्य मंदिर का रूप ले चुके कैथी धाम में माँ दुर्गा, वैष्णो देवी, हनुमान जी और राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं। मंदिर में आज भी बाबा जी की निजी वस्तुएं, गद्दी, कंबल, छड़ी आज भी वैसे ही सुरक्षित हैं जैसे उनके जीवन में थी। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आज वही मुख्य दर्शन का केंद्र है। नीम करूरी बाबा अलौकिक शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं। इसके बावजूद भी वो आडंबरों से दूर रहते थे। उनके माथे पर न त्रिपुंड लगा होता था, न गले में जनेऊ और कंठमाला। उन्होंने देह पर साधुओं वाले वस्त्र भी कभी धारण नहीं किए। आश्रम आने वाले भक्त जब उनके पैर छूने लगते तो वो कहते थे, पैर मंदिर में बैठे हनुमान बाबा के छो। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। जय नीम करौली बाबा की। आपको हम अवगत करा दें कि हमारे चैनल पर कैंची धाम यानी नीम करौली बाबा दर्शन यात्रा का संपूर्ण यात्रा वृतांत और इतिहास और बाबा के चमत्कारों से परिपूर्ण एक वीडियो उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए करते हैं बाबा नीम करौली के दर्शन। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हम मंदिर के अंदर का कोई भी फुटेज आपको नहीं दिखा सकते हैं। हम सभी ने बाबा नीम करौली के बहुत ही सुंदर, दिव्य एवं भव्य दर्शन प्राप्त किए। अब चलते हैं टी गार्डन और एप्पल गार्डन होते हुए मुक्तेश्वर। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें। ये ऑर्गेनिक टी गार्डन है और ये इसका मेन प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, टी फैक्ट्री घोड़ा खाल। यहाँ पर बागान परिसर में प्रवेश की जो दरें हैं वो आपको हम बता देते हैं। स्वदेशी पर्यटक के लिए 40 रुपये और विदेशी पर्यटक के लिए 100 रुपये, और परिधान बास्केट और ड्रेस के लिए 100 रुपये, कैमरा डिजिटल अगर है तो 100 रुपये, प्री वेडिंग चार्ज 1000 रुपये अगर यहाँ पे शूटिंग इसकी होती है। ये यहाँ पे टिकट काउंटर, ये देखिए, ये टी गार्डन के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ का प्रवेश शुल्क हमने अभी बताया कि 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। और ये देखिए, पेड़ों की छटाई हो चुकी है और इनमें एक विशेष लेप भी लगाया गया, देखिए टिप के ऊपर, थोड़ा ऊपर से आपको हम दिखा देते हैं। ये है, चाय की महक आ रही है पूरे में। और ये हमारा टिकट है जो 40 रुपये का मिला हुआ है। बिल्कुल चाय की सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। वाह, सांसें बिल्कुल ताज़ा हो जा रही हैं, फ्रेश फ्रेश सा एहसास हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी से भरा हुआ है और पत्तियां तोड़ना यहाँ पे मना है, तो यहाँ कृपया पत्तियां ना तोड़ें जब भी आएँ, पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ। कुछ पेड़ तो अभी बचे हुए हैं और कुछ में अभी छटाई चल रही है। जो पर्यटक आए हैं वो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, और बास्केट के साथ अभी जो फ़ोटो खींचने का चार्ज वो 100 रुपये था। तो हम ये यहाँ पे आए हैं, आगे इधर जाना मना हुआ है। और ये इधर देखिए, ये टी गार्डन, और इसके अंदर भी जाना मना है। देखिए कितनी हरियाली है टी गार्डन के अंदर, बहुत अच्छा है। ये रिसर्च सेंटर के तौर पे है, ये फॉरेस्ट की लैंड है और इसको टी जो प्राधिकरण है या जो बोर्ड है उसने लीज पे ले रखा है। ये देखिए यार, ये चाय के पेड़, इधर भी देखिए जबरदस्त व्यू आ रहे हैं। इधर चाय की पत्तियों को तोड़ना मना है। हम आपको चाय के पेड़ थोड़ा पास से दिखाते हैं। ये देखिए, ये चाय के पेड़, चाय की पत्तियाँ, यहाँ लोग ऐसे ही परिधान पहन के और जो बास्केट होती है उसको उसमें चाय तोड़ने के लिए तोड़ती है।
बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। हमारे मित्र आ चुके हैं, सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे। ये टी गार्डन, हमारे डॉक्टर साहब देखिए आ चुके हैं, ये फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे अभी। और ये विनीत जी अपनी फ़ोटो टी गार्डन के बीच में खिंचवा रहे हैं, और पांडे जी बिल्कुल लेने में लगे हुए हैं। यहाँ पर कैमरा आपको देख रहा है, और चाय की पत्तियाँ तोड़ना सख्त मना है। ये ऑर्गेनिक टी है, इसमें किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसा मुझे यहाँ जो कार्मिक है उन्होंने अवगत कराया। देखिए सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे, खूब इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य। और चाय में देखिए पानी डालने के लिए जो स्प्रे तकनीक है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से देखिए पूरा व्यू ज़बरदस्त, डॉक्टर साहब आ रहे हैं उधर से। ये देखिए कटिंग अभी हो चुकी है इसकी, थोड़ा आगे से दिखाते हैं। यहाँ देखिए इसमें कटिंग हो चुकी है, और उधर वाले में जो कटिंग करने के बाद ये जो होता है टिप पॉइंट, इसमें कुछ कलरिंग, इसमें कुछ लोशन लगा रखे थे वहाँ पे, तो कुछ दूसरी वैरायटी है, कई वैरायटी की चाय इसमें उपलब्ध है। तो मित्रों यदि आप नैनीताल से मुक्तेश्वर जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ने वाले इस टी गार्डन को अवश्य देखें, बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ग्रीनरी से भरा हुआ है, इस समय थोड़ा कटाई छटाई हो रही है, तो पास के जो टी प्लांट हैं इनमें थोड़ा हरियाली कम है, लेकिन जो बाहर दूर दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छी हरियाली है। और देखिए यहाँ पे पहाड़ी परिधान पहने हुए बालिकाएँ फ़ोटो खिंचा रही हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य है। अब चलते हैं हम आगे मुक्तेश्वर की यात्रा पर। बाबा नीम करोरी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग मुक्तेश्वर जा रहे हैं, और रास्ते में एक हमको पुष्प दिखाई दिया, ये हमारे ड्राइवर साहब ने दिखाया कि ये जो है ये गुरांस का पुष्प है, और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। इस पुष्प की एक खासियत है कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ पर ये रेड कलर का दिख रहा है, लेकिन जब ये थोड़ा और ऊपर जाते हैं लगभग 7-7.5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ये पिंक कलर का हो जाता है, 9000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इस पुष्प का कलर चेंज होता रहता है, बहुत ही सुंदर पुष्प है। और ड्राइवर साहब ने हमें बताया कि ये जो जंगल है कुछ समय बाद बिल्कुल लाल रंग के पुष्पों से भर जाएगा, और बहुत ही सुंदर पूरा ये जंगल लगेगा, और प्रकृति का सौंदर्य तो यहाँ पे बहुत ही अद्भुत है। हम लोग मुक्तेश्वर चल रहे हैं, और मुक्तेश्वर में आपको हम जो प्रकृति का अद्भुत दृश्य है वो दिखाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नहीं दिखेगा क्योंकि आज ये लगभग बादल छा गया है जी, धीरे-धीरे तो नहीं है, एक दो पीक दिख रही है, त्रिशूल बोलते हैं जी। अब जगह का नाम त्रिशूल है, उस पीक का नाम जी। और इधर देखिए वो सामने लास्ट वाली पहाड़ी में एक सफेद सफेद दिख रहा है, और कोई मकान नहीं दिख रहा है, वो मुक्तेश्वर है, वहाँ जाना है जी, वो शिव मंदिर है मुक्तेश्वर जी जी, बिल्कुल लास्ट में। ये गागर है, जो लोग शांति से यहाँ रहना चाहते हैं, जो शांति प्रिय हैं वो लोग यहाँ रह सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और मुक्तेश्वर जाने के रास्ते में पड़ता है, साधन हो जाए तो इनसे बड़ा सुखी कोई नहीं, कोई नहीं, सही, प्रकृति के बहुत ही पास में है ये लोग, एकदम प्रकृति के पास में। देखिए गजब की सुंदरता है, ये घोड़ा खाल से थोड़ा सा आगे, और गागर से गागर से थोड़ा सा आगे रामगढ़ है, बहुत ही सुंदर। सब सीढ़ी नुमा खेत है, इसका फार्मिंग है, इसी से इनका आय का साधन है, इसी में सब्जी पैदा होती है, इसमें आलू पैदा होता है, इसमें फल पैदा होता है, इसी से ये बेचते हैं, इसी से ये अपने परिवार को पालते हैं। जी जी। मित्रों हम आपको अवगत करा दें कि नैनीताल की यात्रा में हमारे बहुत सारे वीडियो हैं जो चैनल पर अपलोड हैं, तो यदि आप नैनीताल या आसपास के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं तो उन वीडियोस की मदद ले सकते हैं, उनके सभी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिए हैं, तो वहाँ जा करके उन वीडियोस का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब आज मई जून में छोटे छोटे फल आ जाएंगे, अगस्त में इतने बड़े बड़े फल लटके रहेंगे। अच्छा, मतलब सेब ही सेब, आलू ही आलू, फुलम ही फुलम, नाशपाती नाशपाती, सब ये यहाँ का सबसे बड़ा एप्पल गार्डन। अच्छा, और ये सारे हरे हो जाएंगे, सूखे नहीं है ये, देख रही आप सोचो सूखे हैं, सूखे नहीं है। और जब स्नो भी पतझड़ हुआ है, स्नो भी इसलिए बोलते हैं, सामने जितना बादल का पहाड़ है, कुछ कुछ पीक हिमालय की दिख रही है सामने, देखो हाँ व्हाइट व्हाइट दिख रही है, वो हिमालय की पहाड़ियाँ। अच्छा,
की वजह से सब बादल लग गया है जी जी। ये सुबह को जब रात को यही बादल इस बरसेगा, बर्फबारी होगी उन्हीं हिमालयों में, उसके बाद जो है ये पूरा एरिया आपको नीट एंड क्लीन पूरा हिमालय दिखेगा जी जी। जो सूखे हुए पेड़ दिख रहे हैं ये सभी सेब के पेड़ हैं और इसमें पतझड़ आ चुका है इन पे, और बरसात के बाद इन पे पत्तियाँ आ जाती हैं और पूरे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, फिर सेब इस पे लगते हैं। फिलहाल इस समय बिल्कुल सूखे हुए से नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ बहुत अच्छा है। मुक्तेश्वर जाते समय रास्ते में एप्पल गार्डन पड़ता है और ऊपर भी आप देखिए जिधर देखेंगे सब सेब के पेड़ ही लगे हुए हैं। इतने सूखे सूखे से आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सब एप्पल के ही पटरी हैं। ये देखिए इधर भी सभी तरफ सेब के पेड़ लगे हुए हैं और इधर भी हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, दूर से अगर मौसम जब क्लियर होगा तो पीछे की पहाड़ियां हैं वो दिखाई देंगी। मुक्तेश्वर के रास्ते में ये चाय लोग पड़ता है, यहाँ हम चाय पीने जा रहे हैं, इनसे हमने बोल भी दिया है चाय बनाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमारे मित्र लोग जो थे वो भी, इनकी इच्छा थी कि हम लोग यहाँ पर बैठें थोड़ी देर एंजॉय करें, क्योंकि प्रकृति को जीने हम लोग आए हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ करके। इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, कहीं मैगी पॉइंट है कहीं कुछ है। तो ये देखिए पहाड़ों पर बहुत ही मज़ा इसी चीज़ का है, जब आप प्रकृति से जितना नज़दीक होते हैं तो आपको उतना ही मज़ा आता है। बहुत ही खूबसूरत जी, देखिए इधर ये टी पॉइंट है, यहीं पर बैठकर हम लोग चाय पियेंगे और ये झूला है इस पर भी एंजॉय करेंगे। और विवेक जी, विनीत जी देखिए बड़े मस्ती कर रहे हैं उधर, चलिए आ जाइए आप लोग भी ऊपर आइए, डॉक्टर साहब आ जाइए। और यहाँ देखिए हम लोग बैठेंगे, अभी चार चेयर्स लगता है हम लोगों के लिए ही लगी हुई हैं। बहुत ही अच्छी जगह, सभी तरफ मस्ती ही मस्ती, और ये लोग भी अभी ऊपर आ रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और इसलिए भी कर रहा है क्योंकि हमें बैठने के ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोशिश करते हैं इस पर। विनीत जी आ रहे हैं, थोड़ा उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और लाइए हम आपको आराम से भैया आराम से। विवेक जी अरे भैया बचा यार, आप धक्का मत देना। बहुत खतरनाक ये झूला, और इस पे ये मस्ती ले रहे थे, ये पहाड़ी कुत्ता भी आ गया। हाँ अब इनको, विनीत को जरा देखो, ये हम झुलाते हैं इनको, थोड़ा सा खुश करते हैं, बस धीरे से। ये देखिए ये झूलने का मज़ा है, ये झूलने का अपना मज़ा, और यही सब इन्जॉयमेंट है जो पहाड़ों पर हम लोग कर रहे हैं, खुद अपनी पैंग बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब में उत्साह है लेकिन थोड़ा सा बुजुर्ग होने के कारण नहीं झूलेंगे। विनीत जी अब आ जाइए, मस्ती एक समय तक करनी चाहिए। पांडे जी दूसरे उस पर लेट करके झूलना चाह रहे हैं, और ये विश्राम की अवस्था है मुक्तेश्वर की इन वादियों में। पांडे जी देखिए मस्ती कर रहे हैं, हाँ इसी पे ये लेटे हुए सो रहे हैं। अभी भी एक इस पर एक कुत्ता भी सो रहा था उसी पे पांडे जी, लेकिन कोई बात नहीं। मुक्तेश्वर की पहली चाय हमारी लोगों की, बहुत ही बेहतरीन चाय लेके आए, टेस्ट भी अच्छा है। विवेक जी तो एक दो सिप भी मार चुके हैं, क्यों कैसी लगी आपको? बहुत बेहतरीन चाय, देख के लगी, अदरक और लौंग भी पड़ी हुई है। हाँ। और चाय पूरी तरह से पक्की है इसलिए बहुत ही टेस्टी, चाय की पूरी क्वालिटी का ध्यान, चाय पीने की जगह पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जी जी, इससे चाय का डॉक्टर साहब का कहना है कि पूरा ध्यान रखा गया है चाय हमारी। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर चाय के कुल्हड़ को ठंडक में ऐसे पकड़ा जाए तो ज्यादा मजा देता है, आनंद दो गुना। तो ठीक है, हम भी जो है चाय का कप ऐसे पकड़ के देखते हैं कैसा मजा आता है। ये हाँ पकड़ लेते हैं, अच्छा लग रहा है। और ये आप देखिए चाय लोग जैसा नाम वैसा काम, वाह गुड। आप लोग मुक्तेश्वर आए तो रास्ते में चाय लोग में रुक के चाय जरूर पिए। ये चाय लोग के गार्ड हैं, और हेलो डॉगी नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे पास ही आ रहे हैं, हमको तो कुत्तों से भाई डर भी लगता है, लेकिन यहाँ ये अच्छे लगे इसलिए हमने इनका फोटो खींच लिया। और पूंछ हिला रहे हैं, इसका मतलब ये जो है कुछ पाने की लालसा में है। अभी पांडे जी हमारे इनको बिस्कुट खिलाएंगे, बिस्कुट भाई खिला दीजिए। और अच्छी पोज में भी बैठ गए हैं ये, तो इनका एक हम अच्छा सा फ़ोटो भी ले लेते हैं। ये रहा,
और बहुत सुंदर आप हमें अच्छे लगे, आपकी नज़रों से हमें डर लग रहा है चाय लोक में डॉगी को। हाँ हाँ वाह गुड, अभी उसको खा लेने दो फिर दूसरा उसको बाइट दो। बहुत सही पाणी जी का एक्सपीरियंस देखिए जरा से, ऊपर से ये खिला रहे हैं और वो डायरेक्ट कैच कर ले रहा है, बस गुड। ये मुक्तेश्वर जाने के रास्ते में चाय लोक, हम लोगों ने यहीं पर चाय पी, कुछ लोग और भी आ गए। ये स्टेप फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, सारे सीढ़ी नुमा खेत हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दृश्य देखिए कितना सुंदर है, अद्भुत दृश्य, बादल ऊपर से दिखाई दे रहे हैं और दूर तक फैला हुआ मुक्तेश्वर का ही भाग है। और जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं वहाँ भी ऐसी ही स्थिति है, नंदनकानन होम स्टे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा होम स्टे का दृश्य, दिखाएंगे पैकेज के बारे में बताएंगे। हाँ वो ऊंचे वाली पहाड़ी पे चलना है हम लोगों को, और इसको पूरा घूमते हुए सामने वाली पहाड़ी को पूरा घूमते हुए जाना है ऐसे। सामने से जो रोड दिख रही है आपको, इसी रोड से होते हुए और फाइनली हम लोग पहुँचेंगे मुक्तेश्वर की उधर वाली पहाड़ी पे। नीचे देखिए रोड का भी काम चल रहा है और ये प्रधानमंत्री सड़क योजना से रोडें बन रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है मुक्तेश्वर का। ये हम लोग आए हैं मुक्तेश्वर के रास्ते में और ये नंदनकानन होम स्टे, ये बोर्ड इधर पांडे जी वार्ता कर रहे हैं और इसी पगडंडी से हमें चलना है उनके होम स्टे तक। ये देखिए नीचे की तरफ पहाड़ों पे ऐसे ही रास्ते होते हैं और इन्हीं रास्तों से हमको ऊपर चलना है। जंगलात के रास्ते से हमारे पांडे जी देखिए बिल्कुल जा रहे हैं और इधर विवेक जी और विनीत जी दोनों लोग अपने अपने सामान को लेकर के आते हुए। पांडे जी चलिए भाई, और ये जंगल के बीच से हम लोग होते हुए पहुंच रहे हैं नंदनकानन होम स्टे। और नीरज जी देखिए हमारा आगे बैग लेके भी चल रहे हैं जो होम स्टे के ऑनर हैं, और नीरज पांडे जी हमारे मित्र वो तो आगे आप देख ही रहे हैं। कितना सुंदर और जंगलों के बीच में गजब का दृश्य, बहुत आराम से धीरे धीरे आ रहे हैं, पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं, एक एक पग पे प्रकृति के साथ जी रहे हैं। प्रकृति का जो आनंद यहाँ पर है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मित्रों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे मुक्तेश्वर के अगले वीडियो में जिसमें हम आपको पहाड़ी लाइफ स्टाइल और यहाँ के होम स्टे के बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ ही मुक्तेश्वर घूमेंगे। तो आप सभी चैनल से हमारे जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।